तो टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 21 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में 14, दिल्ली और हरियाणा में 7 जगहों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। पुरानी दिल्ली के कई हवाला ऑपरेटर्स के ठिकानों पर भी ये छापे पड़े हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में कल कई अलगाववादियों के ठिकानों पर छापे पड़े हैं। एनआईए को शक है कि हवाला फंडिंग का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में हुआ है और इस सिलसिले में एनआईए ने एफआईआर दर्ज कर ली है। माना यह भी जा रहा है कि जल्द ही कुछ अलगाववादियों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो एनआईए की छापेमारी लगातार चल रही है और माना यह भी जा रहा है कि कुछ अलगाववादियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। दिल्ली से लेकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर हर तरफ एनआईए की जो कार्रवाई है वो चल रही है। लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, क्योंकि यहां पर माना यह जा रहा है, एनआईए को शक ये है कि हवाला फंडिंग का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में हुआ है और इस सिलसिले में एनआईए ने एफआईआर दर्ज कर ली है। और ये भी माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ अलगाववादियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। दिल्ली हो, हरियाणा हो या फिर जम्मू कश्मीर, हर तरफ एनआईए लगातार बड़े एक्शन के साथ ये छापेमारी कर रहा है और कुछ अलगाववादियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। हवाला ऑपरेटर्स के जरिए ये पूरा काम चलता था, फंडिंग होती थी और इसी वजह से एनआईए ये अपनी कार्रवाई कर रहा है। तो टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई शुरू है। दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 21 जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में 14, दिल्ली और हरियाणा में 7 जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। कई हवाला ऑपरेटर्स के ठिकानों पर भी ये रेड पड़ी है, जबकि जम्मू कश्मीर में कई अलगाववादियों के ठिकानों पर भी ये छापे पड़े हैं। एनआईए को शक ये है कि हवाला फंडिंग का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में हुआ है और इस सिलसिले में एनआईए ने एफआईआर दर्ज कर ये कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ अलगाववादियों की गिरफ्तारी हो सकती है और उसके बाद कुछ छोटे अलगाववादी और कुछ बड़े अलगाववादियों की भी गिरफ्तारी हो सकती है इस कार्रवाई के बाद। मनीष शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मनीष, कब तक ये कार्रवाई चलेगी? देखिए, आपको एक इसमें बड़ी खबर दे दें कि छापे की कार्रवाई में 1,25,00,000 रुपए कैश एनआईए ने रिकवर किया है श्रीनगर में, और 35,00,000 रुपए इस वक्त अरेस्ट किए रिकवर किए गए हैं दिल्ली में जो हवाला ऑपरेटर्स हैं जिनके एनआईए छापे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। छापे की कार्रवाई जारी है, शाम तक छापे चल सकते हैं, हो सकता है कि कल भी छापे की कार्रवाई हो। और जैसा कि श्रीनगर में करीब 14 जगहों पे जो छापे चल रहे हैं, दिल्ली में तमाम और भी लोकेशन हैं, ग्रेटर कैलाश में, पुरानी दिल्ली में कई हवाला ऑपरेटर्स के यहाँ एनआईए छापे डाल रही है। और ये कहा जा रहा है कि शाम तक हो सकता है कि इस मामले में कुछ लोगों को अरेस्ट भी कर सकती है, क्योंकि एनआईए के पास तमाम अहम एविडेंस मिले हुए हैं कि किस तरीके से जो बाहर के देशों से पैसे आ रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान से, उसको हवाला ऑपरेटर कई बिजनेसमैन हैं उनकी पहचान हुई है जिनके जरिए वो कश्मीर में पैसे भेज रहे हैं और पैसा अलगाववादियों तक जा रहा है। शुक्रिया मनीष जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि यहाँ पर कश्मीर से 1 करोड़ के लगभग यहाँ पर छापेमारी में बरामद हुए हैं, वहीं दिल्ली में 35,00,000 करीब बरामद हुए। यानी कि जो शक था एनआईए को वो कुछ सच साबित होता दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है और ये जो रकम है वो भी बरामद की गई है। वहीं कश्मीर में छापेमारी को लेकर हमारे संवाददाता खालिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ समय से जो लगातार कुछ अलगाववादी नेताओं के इर्द गिर्द एनआईए का शिकंजा कसता जा रहा है, उसकी कड़ी में ही आज सुबह से ही करीबन 3 बजे रात से ही कई जगहों पर यहाँ रेड्स हो रहे हैं एनआईए के। बताया जा रहा है कि करीबन 14 ऐसे नेता और जो उनके सपोर्टर्स बिजनेसमैन हैं जिनका नाम आया है पूछताछ में, और उनके खिलाफ रेड्स आज किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से 3 जो अलगाववादी नेता थे उनसे जब गहरी पूछताछ हुई और गहरी पूछताछ के बाद जो है अब आज ये रेड्स यहाँ पर शुरू किए गए हैं। और कल जो 3 लोग जो जिन्हें दिल्ली तलब किया गया था एनआईए द्वारा, उनके से जब दिल्ली में पूछताछ हुई थी उसके तुरंत बाद यहाँ रेड्स देखने को मिल रहे हैं। 14 जगहों पर ये रेड्स किए जा रहे हैं जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन सामने आ रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर हम खड़े हैं, ये भी
भी एक बड़े बिजनेसमैन का घर है, जो आप पीछे देख सकते हैं जो पिंक कलर की दीवार है वो उस बड़े बिजनेसमैन का घर है जिसे जहूर वटाली कहा जाता है, उसका घर है। और ये एक यहाँ पे रेड हो रही है। इसके अलावा नईम खान के घर भी खबर है कि रेड हुई है और कई बड़े बिजनेसमैन के घर जो है रेड की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि NIA ने कोशिश कर रही है कि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हासिल करके फिर शायद नेक्स्ट कदम हो, ये भी हो सकता है कि जिस जिसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले उन्हें गिरफ्तार भी किया जाए। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। आगे बढ़ते, पाकिस्तान एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाक की ओर से गोलीबारी का मामला सामने आया है। देर रात सीमा पार से मोर्टार दागे गए हैं। भारतीय सेना ने सीज फायर उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाक की गोलीबारी में एक नागरिक घायल भी हुआ है और इसी हफ्ते भीम बेर और बट्टल सेक्टर में भी पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। जवाबी कार्रवाई में पाक को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। फायरिंग में 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने की भी खबरें आई थी, हालांकि भारतीय सेना ने इसका खंडन किया था। तो सीज फायर का एक बार फिर से उल्लंघन किया गया है। रात 11 बजे से मोर्टार दागे जा रहे हैं। हालांकि जो भारतीय सेना है वो भी लगातार जवाबी कार्रवाई दे रही है, लेकिन एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और मोर्टार दागे जा रहे हैं और भारतीय सेना भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में समेत 2 इलाकों में आतंकियों की घुसपैठ की भी खबर आ रही है, जिसमें सेना का जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। इस सर्च ऑपरेशन में सैकड़ों की संख्या में सेना के जवान, BSF के जवान और पैरा कमांडो लगाए गए हैं। इसके अलावा गुड्डाजी कालारूस इलाके में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मचेल सेक्टर में सोनापंडी इलाके में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। खबर ये भी है कि केरन सेक्टर समेत आतंकियों ने 2 जगहों से घुसपैठ की है और इस वजह से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना और BSF के जवान लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं।